हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूँ महिंद्रा अल्ट्रा 1555। इसका जो है क्लच क्लच में एकदम काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी, आपको चला के हम दिखाएंगे किस तरीके से क्लच में काम नहीं कर रहा है। गियर लगाने से क्या है, गाड़ी आगे भाग ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अभी गियर आप देख सकते हैं लगा रहे हैं गियर, अभी क्या गाड़ी आगे नहीं भागेगा। अभी ये गाड़ी हम खोलेंगे। खोलने के पहले इसका जो बोनट है, बोनट को ऊपर उठा लेते हैं। उतर के जो साइड का ढक्कन है, आप देख सकते हैं ढक्कन, इसको निकाल लेंगे बाहर। ये पाइप भी निकालना पड़ेगा मेरे को। ये जो पाइप है, पूरा सामान खोल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम गाड़ी खोलते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं। आप देख सकते हैं जो पाइप लाइन है, एक्सीलेटर वायर है, सारा कुछ खोल के आपको ये भी निकालना पड़ेगा। सारा कुछ खोल के आपको वीडियो दिखाएंगे। देख सकते हैं पूरा पाइप, स्टीयरिंग का ये सारा कुछ खोल के आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये भी खोलना पड़ेगा। ये भी आप देख सकते हैं दो नट है, अंदर में दो नट है, यहाँ अभी दो नट है, दो साइड में दो एक पट्टी है, पट्टी को भी निकाल लेंगे। एक्सीलेटर वायर और चोक वायर, सारा कुछ, सेल्फ का वायर, ये भी वायर खोल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। देख सकते हैं आप, पूरा सामान मैंने इसका निकाल लिया है। अभी इसका जो क्लच हाउसिंग है, हाउसिंग को खोल रहे हैं। देख सकते हैं इसका जो बोल्ट है, 12 बोल्ट है इसमें, 13 नंबर। बम्बू की मदद से गाड़ी को हमने सामने लिए है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ये भी एक बम्बू की मदद से गाड़ी को रखे हैं हम जुगाड़। अभी जो पूरा बोल्ट है, बोल्ट को खोलने से जो क्लच हाउसिंग है निकल जाएगा बाहर। अभी हाउसिंग को बाहर निकल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका जो क्लच प्लेट है खराब हो चुका है। मैंने क्लच हाउसिंग को बाहर निकाल लिया है। इसका जो फ्लाईव्हील आप देख सकते हैं किस तरीके से गड्ढा हो चुका है। इसको क्या कटिंग करने से चलता है, इसको कटिंग हालांकि नहीं करेंगे, इसमें क्या जो नया सामान डालेंगे। आप देख सकते हैं क्लच प्लेट का हालात, क्लच प्लेट पूरा घिस चुका है, हल्का बचा है क्लच प्लेट। ये भी जो इसका प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट भी पूरा गड्ढा हो गया है, इसको भी नया डालेंगे। इसको क्या कटिंग करने से भी ये भी बन जाता है, लेकिन इसको नहीं कटिंग करेंगे, इसको नया डालेंगे। पहले इसको खोल लेते हैं। 14 नंबर का तीन फिंगर से टाइट किया हुआ है, इसको खोलेंगे, खोलने से प्रेशर प्लेट बाहर आ जाएगा। देख सकते हैं फिलहाल भी प्रेशर प्लेट को निकाल रहे हैं बाहर। दो क्लच प्लेट है इसमें, एक पीटीओ का और एक इंजन का, गियर बॉक्स का। देखो प्रेशर प्लेट, इसका प्रेशर प्लेट पूरी तरीके से जो है घिस गया है, इसको नया डालेंगे। इसका डायग्राम स्प्रिंग पीटीओ प्रेशर प्लेट और पीटीओ क्लच क्या है, इसको इस तरीके से सेट होता है। ये इस तरीके से आपको सेट करने से उल्टा हो जाएगा, इस तरीके से सेट करना है पीटीओ। इसका जो ऊपर जो ऊंचा है, इसको ऊपर तरफ रख के सेट करना है। अब इसको साफ करके सब सामान नया डालेंगे। आप देख सकते हैं जो सामान है, सामान मैंने ऑर्डर करके लाए हैं सामान। ये जो बक्सा है आपको देख सकते हैं, बक्सा किस तरीके से पैकिंग में आया है। तो बक्सा के अंदर जो है फ्लाईव्हील, जो इसका जो फ्लाईव्हील है पुराना, ये देख सकते फ्लाईव्हील
फ्लाईव्हील भी खराब हो चुका है या फ्लाईव्हील एक बार कटिंग करने से चलता है, लेकिन इसको कटिंग नहीं करेंगे, इसको नया डाल देंगे। इसका जो फ्लाईव्हील है, देखिए इसे फ्लाईव्हील का रेट इसमें फ्लाईव्हील का रेट नहीं दिया है। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। देखिए किस तरीके से फ्लाईव्हील का जो पैकिंग है, किस तरीके से फ्लाईव्हील इसमें पैक करके कंपनी वाले ने रखा था। निकालो, ₹6,200 का फ्लाईव्हील है। ये जो है फ्लाईव्हील को जंग नहीं लगने का जो है कुछ तो दिया रहता है सामान इसके अंदर। निकालो, ये ओरिजिनल है जो फ्लाईव्हील, ओरिजिनल है पूरा एकदम। फिनिशिंग कितना अच्छा फिनिशिंग में आता है ये फ्लाईव्हील। इसका क्लच प्लेट, इसका रेट, ₹6,537 इसके रेट है। इसका जो पार्ट नंबर है 00650437 5C92 पार्ट नंबर। निकालो, ये है इसका क्लच प्लेट, अच्छा पैकिंग में दिया है कंपनी वाले ने। देख सकते हैं इसका जो क्लच प्लेट है कितना फिनिशिंग लुक कंपनी का है। क्लच प्लेट ओरिजिनल पैक होके आता है लुक कंपनी का। ये 5 पंखा में है, 6 पंखा भी आता है इसका, 4 पंखा भी आता है। इसका प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट का रेट आपका ₹1,603 इसका रेट। इसका जो पार्ट नंबर है आप देख सकते हैं 00650015C91 इसका पार्ट नंबर। इसके भी प्रेशर प्लेट, इसका फिंगर है, फिंगर भी नया डालेंगे। इसका फिंगर ₹1,563। दो टाइप का फिंगर आता है, एक का फिंगर छोटा, एक का बड़ा। तो इसका जो बड़ा साइज का फिंगर है उसका रेट ज़्यादा है, ₹1,800 है, जो नया मॉडल में आता है गाड़ी में, एक पुराना मॉडल का गाड़ी में लग जाता है। अभी इसको फिटिंग करते टाइम को दिखाएंगे आपको। पुराना फ्लाईव्हील जो है मैंने इसको निकाल लिए है, अभी क्या है गाड़ी पूरा सेट करेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो नया फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील इसको हम गाड़ी के साथ अभी सेट करेंगे। नया फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील को बैठाएंगे। इसका जो ये लॉक है, लॉक को ये लॉक में बैठाना है फ्लाईव्हील का, तो फ्लाईव्हील फिटिंग हो जाएगा।
इसका रिलीज बेयरिंग खराब नहीं हुआ है, रिलीज बेयरिंग ठीक है। बोल्ट भी लगा लो, अभी बोल्ट मैंने बैठा दिया है, अभी बोल्ट को कस देंगे। कसने के पहले यहाँ पे एक लॉक लगा लिए हैं हम, अभी पाना से हम कस देंगे। छह बोल्ट है इसमें, छह बोल्ट को कस देना है। अभी इसका जो है फिंगर इस तरीके से ठोकने से निकल जाएगा बाहर। आप देख सकते हैं इसका लॉक टूट गया है, तीनों फिंगर इस तरीके से आप निकाल लेना है। नया फिंगर है, फिंगर का पिन है, इसका लॉक भी दे देता है साथ में, और तीन बोल्ट, तीन स्क्रू। हल्का ग्रीस लगा के कुछ इस तरीके से पिन में भी हल्का ग्रीस लगा के फिटिंग कर लेना। इसका लॉक मैंने पूरा सेट कर लिया है फिंगर को। अभी इसका जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट सेट करेंगे। पहले पीटीओ क्लच इस तरीके से इसको ऊपर रख के सेट करना है। उसके बाद प्रेशर प्लेट, पीटीओ प्रेशर प्लेट, पीटीओ फिंगर अलग है, इसको ध्यान रख के डालना पड़ेगा पीटीओ प्रेशर प्लेट को। अभी डायग्राम स्प्रिंग, अभी नया क्लच प्रेशर प्लेट, देख सकते हैं ये इसका क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट है ऊंचा टाइप को बाहर रख के आपको सेट करना है, एक साइड नीचा है एक साइड ऊंचा है, इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। इसका जो फिंगर प्रेशर प्लेट क्लच हाउसिंग, अभी इसको सेट करेंगे हम। उसके बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से फिंगर एडजस्ट किया जाता है इसका ट्रिपल टाइप का। कपड़ा गया, क्लच प्लेट मैंने सेट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसका जो फिंगर है, फिंगर को एडजस्ट करेंगे।
कि आप देख सकते हैं जो स्किल है, स्किल के मदद से फिंगर को सेट करेंगे हम। एक इंच हाथ सूट के इसको सेट करना है आपको फिंगर को, फिंगर को अभी गाड़ी को जोड़ देंगे आपको गाड़ी फिट करके दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है। देख सकते हैं मैंने पूरा गाड़ी को जोड़ लिए हैं आपस में। अभी इसका जो बोल्ट है, पाइप है, सबको जोड़ के आपको गाड़ी चला के दिखाएंगे किस तरीके से क्लच प्लेट इसका सही हो चुका है। ये जो पाइप है, पाइप को सेट करके सारा कुछ मैंने गाड़ी में सेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं पाइप, स्विच बॉक्स, चोक वायर, एक्सलेटर वायर पूरा कुछ मैंने इसमें सेट कर लिया है। चेसिस का बोल्ट वो साइड में, पाइप, एक पाइप है होस पाइप, स्टीयरिंग पाइप, अच्छी चीज, और ये हाइड्रोलिक जैक का पाइप सेट करके आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं सारा कुछ मैंने गाड़ी में सेट कर लिए हैं। इसका हाइड्रोलिक जैक का पाइप भी सेट कर लिए हैं। अभी गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। सब कंप्लीट हो चुका है गाड़ी का। पहले क्लच थोड़ा हल्का सेट कर लेते हैं इसको। यहाँ से देख सकते एक क्लच राड है, पेडल देखिए एकदम ढीला है, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले। जो क्लच का एडजस्टर है, बोल्ट है, आप देख सकते हैं बोल्ट को थोड़ा हल्का ढीला करने से एक है क्लच सेट हो जाता है। अभी देखिए पूरा क्लच मैंने सेट कर लिए हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। अभी आपको सामने चला के दिखाएंगे किस तरीके से इसका जो ग्लास है काम करता है। अभी तो इसको ऑपरेटर आ गया है। अभी चला के दिखाएगा आपको सामने किस तरीके से ग्लास में काम करता है। देख सकते हैं अभी क्लास में सही तरीके से काम हो रहा है। वैसे तो अभी गाड़ी भी बंद नहीं होगा। अभी देखिए ब्रेक मारने से गाड़ी खींच के आगे लेके आ रहा है, पहले ऐसे नहीं हो रहा था। देख सकते हैं आप ये चक्का पूरा रुका है, ये चक्का चल रहा है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और कॉमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगला वीडियो मेरा आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इस तरीके से आप क्लच को घर में बैठ के बना सकते हैं।